मम्मी कैसी है दोस्तों? फाइनली आ चुके हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के अंदर। सो पैनल जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखने में मजा आने वाला है। ये बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है, आई एम होपफुल फॉर दैट। चलो स्टार्ट करते हैं। Make some noise for everyone on the panel, guys. Come on. आज मेरे पापा भी आए हैं, genuinely. Make some noise for Amit Tandon, everybody. Come on. सर कैसे हो आप यार? बहुत बढ़िया। हम स्टेज पे आ रहे थे ना, एक लड़की बोली, कौन है ये? किसने बोला? यहाँ किसी ने बोला, अपने पापा को पूछना। नहीं, मम्मी से पूछना पापा। आते ही शुरू हो गए भाई साहब, आते ही शुरू हो गए। आप कब आ सकते हो? कह रहे मैं अभी भी आ सकता हूँ या अगले महीने भी आ सकता हूँ। मैं कहा रिस्क नहीं लेते हैं। दो दिन में ही छोड़ा दिया मेरे भाई। कैसे हैं सर महीप जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, सब सही चल रहा है आपके घर में? मेरे घर में अच्छा चल रहा है, मेरे घर में। विल मूव ऑन। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। आप लोग आए इतने दूर से, दिल्ली से आए एक बार यार, जोरदार तालियां इनके लिए। So should we begin India's Got Latent? Yes. So the first act, Bacha. That's his name, Bacha. Bacha hai. Bacha. Ye matlab naam hai ki ye kya hai? Whatever it is, round of applause for Bacha. Ye to Bacha kidnapper lag raha hai. Waqai mein Bacha hai. Sorry bhai, shuru kar diya. Sorry, mera bacha mat chura raha bhai. यार मुझे लग रहा है यार सच में ऑडियंस की साउंड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। यार ऑडियंस की साउंड ज्यादा लग रही है क्यों मुझे भाई? मेरी प्रॉब्लम है क्या ये? आई होप सो। ए सुनीता, अच्छा बैठ जा साथ में, पिक्चर दिखाऊंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, तेरे सारे नखरे उठाऊंगा, जो तुम बोलोगी वो लेकर आऊंगा, चांदी की जगह पे सोना पहनाऊंगा, धरती से तुमको आसमान घुमाऊंगा, जो भी लिखूंगा पहले तुमको सुनाऊंगा, हर सोमवार को मंदिर में जाऊंगा, राम नाम का टीका लगाऊंगा, तेरी लंबी उम्र के लिए दिए जलाऊंगा, जयकारा लगाऊंगा, प्रसाद बटवाऊंगा, वादा जो करूंगा उसे पूरा निभाऊंगा, छोड़ के तुमको कहीं नहीं जाऊंगा, जहर भी दोगी तो हंस कर खाऊंगा, मरते दम तक साथ निभाऊंगा, साथ निभाऊंगा, दिल मेरा बस तुझको ही चाहता है, बातें करता सही लग रहा है भाई, दिल में खो जाता है, कैसे बताऊं तुझे कितना है चाहता है, कितना है चाहता है, okay. तेरे लिए ही ये गाने बनाता है, देख के तुझको बड़ा शर्माता है, कैसे बताऊं तुझे कितना है चाहता है, कितना है चाहता है, तेरे लिए ही ये गाने बनाता है। यो ओके, वेल वेल डन, वेल डन भाई। मतलब फर्स्ट जब स्टार्ट किया मुझे लगा कि कोई छपड़ी आ चुका है, जस्ट कुछ भी बकड़ा है, बट या लास्ट में आके थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। ओके, 6 तो देना चाहूंगा, 6 इज वेरी गुड। ये ऑडियंस के साउंड यार, वो बच्चा नहीं है भांचा है, वो मैं छत्तीस। भाई मैंने क्या बोला भाई?
मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो बच्चा बोले ना वो भाचा है। मैंने भाचा बोला भाई। सॉरी भाचा है। भाचा मतलब आपका। मैंने मैंने करेक्ट किया भाई को। आपका असली नेम है भाचा? नहीं रोहित है। स्टेज नेम। आपका ये नाम कैसे पड़ा भाचा? वो क्या है मेरे गांव में ना, मेरे जितने भी दोस्त यार सब भाचा ही बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने मामा गांव में रहता था तो उधर सभी लोग मामा का कुछ मतलब है? भाचा का कुछ मतलब है? नहीं मतलब तो नहीं है। बस इस स्टेज नेम रखने के लिए रख लिया, भाचा अच्छा लगता था भाई। बहुत इस क्या मस्त गाया, मेरा एक्सपेक्टेशन एकदम पार दिया आपने भाई। ये मेरा पहला था, मतलब फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये। कभी भी एक सेकंड उसने खुद ही लिखा अपने रिज्यूमे में, मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। नहीं आई स्वेर ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम, लेकिन बाकी चीजें बहुत झूठ बोलता हूँ। तो रोहित आप कितनी दूर से आ रहे हो यहाँ पे ये करने? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से ना? अच्छा। तो ये मेरा बच्चा नहीं है। बच्चा यार तूने ये लिखा है, ये मैं अपने दोस्तों को कभी माँ की गाली नहीं देता, बाकी देर तो सारी बस माँ की नहीं। माँ की क्यों नहीं? एनी पर्टिकुलर रीजन? अब देखा भाई, नहीं लगता माँ का मतलब। सीख रहे हो कुछ माइंड सर? दे दिया भाई। मैं अपने दोस्त की माँ को माँ मानता हूँ, तो माँ को कैसे माँ की गाली दे सकता हूँ? इसलिए क्या बात है, तो सही बात है। तो गाने मार दो भाई। उनकी बहन को क्या मानते हो? हाँ बहन को क्या मानते हो? उसकी बहन को बहन? अरे उसकी बेटी है तो बहन ही मानूंगा ना। तो गाले किसको देते हो फिर आप? गाले किसको देते हो? किसी को, किसी रिश्तेदार को देते हो? अरे बताओ ना यार, कोई एग्जांपल देना जो जो देता है, जो अलाउड है तेरे मन में गाले। जो तो अभी मुझे दे रहा है दिमाग में। भाई खुल के दे दे, खुल के दे दे, मांग रहे हैं। दूसरी टीम से तो नहीं खेलते आप? बाप बाप की गाली मतलब तेरा गांड, तेरे बाप की गांड मार दूंगा ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं नहीं वो सब मानने की आदत नहीं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं भाई सच्ची आदत नहीं है सब चीज की। पड़ जाती है 21 दिन में, पड़ जाती है 21 डेज में, कोई भी आदत पड़ जाती है। एक्सपीरियंस। आपकी एज क्या है? मैं 18 साल का। 18 साल के हो आप? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे तो इस गाने में एक लड़की का नाम भी लिया ना तुम? हाँ वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। लॉल। अरे एक सेकंड, अरे सुन लो, वो भी तो किसी की बहन है भाई। अरे तो ये तू, वो किसी की बहन है लेकिन उसका भाई तो इसका दोस्त नहीं है ना, इसीलिए चलेगा वो चलेगी। दोस्त की माँ को माँ मानता है, बहन को बहन मानता है और गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड मानता है, ऐसा है क्या? वो मेरा दोस्त है ना, अमन नाम है उसका, उसने बोला था मेरे लिए सॉन्ग लिखना, तो वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अच्छा। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुनिए था, तो उसी के लिए लिख दे, अभी वो सुनेगा। अगर उस आपको दोस्त से गर्लफ्रेंड के लिए गाना लिखना था तो ये इतना लव सॉन्ग क्यों लिखा आपने? अरे तो वो ज्यादा प्यार करता है ना उससे। ओके उसके लिए लिखा है? नहीं भाई नहीं, अपने को नहीं। जुड़ो वाला है, जुड़ो वाला है। आपकी गर्लफ्रेंड है? तब बैकफायर करेगा। नहीं नहीं ये तो सच बोल रहा है। आपके सारे दोस्त छत्तीसगढ़ में हैं, आप यहाँ पे बॉम्बे में क्या कर रहे हो? बस घूम रहा हूँ टाइम पास। अभी उम्र ही क्या है? आप यहाँ पे काम करने आए हो, क्या करने हो? मतलब बॉम्बे आए हो? एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर, बस गाने लिखता हूँ घूमते घूमते। ये सच बोल रहा है? कहाँ कहाँ गए हो आप? हाँ पूरा मुंबई घूम। अनएम्प्लॉयड? वो भी फास्ट में काम करता हूँ ना। तो मैंने दिया बाचा को 9.5 oh. 10 from Neeti ji, 10 from Maheep ji, 10 from my side. Alright, let's 10. go. Bro, itna acha tha, main to 6-7 de raha tha. Your average 9.5. Oh. Bacha, 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 bacha. Oh. Oh, sad. Come on,
बाचा ये कम क्यों दिया यार, ये तो आपके नंबर थे, आपकी बी फास्ट की रेटिंग थोड़ी थी। अनेक बार ऐसा कॉन्फिडेंस है यहाँ आगे कॉन्फिडेंस आ गया। आ, अरे कोई नहीं भाई, बादशाह भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बादशाह भाई। शिवानी रे, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवानी। शिवानी रे हेलो, क्या करने वाली है? या देखो बकचोदी तो बाद में होती रहेगी, पहले परफॉर्म करती हूं, ठीक है? तो ऑल मिसोजिनिस्ट एंड सूडो फेमिनिस्ट ध्यान यहां, पोएट्री कमाने वाला हाथ किसका ये है कौन जानता। देखो मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाला, ठीक है? लुक बाद में देना यार समय। आ वापस रिस्टार्ट, हाँ, रिस्टार्ट प्लीज। व्हाट? मैंने तुम्हें मिसोजिनिस नहीं बोला। मैंने मैंने खुद को बोला। ओके गाइस प्लीज सीरियस। कमाने वाला जेब किसका ये है कौन जानता, कि कमाने वाला जेब किसका ये है कौन जानता, खिलाने वाले हाथ की भी अब नहीं है मान्यता, औरतों और मर्द में अब छिड़ चुकी एक जंग है, कि औरतों और मर्द में अब छिड़ चुकी एक जंग है, किसकी जेब है भरी और कौन रोटी सेकता। और देखो तो ये जंग अब गलत नहीं समाज में, कि देखो तो ये जंग अब गलत नहीं समाज में, आधा आधा बट गया तो आसानी होगी काज में, पर सच में है ये आधा या बस कहने की एक बात है, और दोनों ने है खुद चुना या थोपे बस हालात है। कहते हैं मर्द के हाथों में सुई धागा जचता नहीं, कि कहते हैं मर्द के हाथों में सुई धागा जचता नहीं, मेरे कुछ लिबास में उसने ही है जेबी सिली, कुछ वो कमा के लाता है कुछ मैं भी लेके आती हूँ, कि कुछ वो कमा के लाता है कुछ मैं भी लेके आती हूँ, फिर साथ उसके ही पका उसे प्यार से खिलाती हूँ। वो स्वाद ना ही उसके हाथ का है ना ही मेरे हाथ का, कि वो स्वाद ना ही उसके हाथ का है ना ही मेरे हाथ का, वो स्वाद तो है साथ का जो आधा आधा बट गया, जो मर्द और औरतों की जात से है हट गया, वो स्वाद तो है प्यार का जो अब सिर्फ इंसानियत में सिमट गया। थैंक यू सो मच। क्या बात है शिवानी राय, वेरी ओल्ड, वेरी वेरी गुड राइटिंग इज रियली गुड भाई। मुझे लग रहा है कि बोलने दो इसको, ठीक है कोई मत बोलो, इसी को बोलने दो। आई हैव समथिंग टू आस्क शिवानी जी, व्हेन यू गो आउट ऑन अ डेट हु पेस द बिल? यार मुझे कोई डेट पे ले ही नहीं गया है, मैं क्या करूं? बट इफ यू गो आउट ऑन अ डेट देन लाइक वुड यू बी फुटिंग द बिल, वुड ही बी फुटिंग द बिल? व्हाट? आधा आधा। आधा आधा, यस। स्प्लिट वाइज यूज करते हैं आप? वैसे द करेक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज द पर्सन हु आस्क्ड यू आउट हैज टू पे। But no one is asking me out, ना तो कोई पूछ लेगा तो मुझे दया आ जाएगी, भाई पूछ लिया आधा दे ही देती हूँ। देखो आप भी सिंगल हैं, वाह वाह वाह, बादशाह भी सिंगल था। तो मैं कहता हूँ आधा आधा कर लेते हैं। नहीं, looks matter मतलब। Yes. बादशाह को कितनी सोच है आपकी यार, इतने अच्छे विचार है आपके कविता के। समय यार तुमसे ज्यादा गंदा नहीं हो सकता। नहीं मैं तो बहुत ही गंदा हूँ, मेरे से गंदा भी है इधर। शुगर डैडी, हम आधा आधा कर रहे हैं। मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि दिस इज नॉट कमिंग राइट, एक्चुअली वट एवर यू आर सेइंग कि आधा वो दे देगा आधा मैं दे दूंगी, तो मतलब समय रहना के स्टैंडर्ड से ये गलत है, ये बहुत गलत है। के हिसाब से ठीक है कि तू आधा दे दे मैं आधा दे दूं, जब समय रहना ऐसा बोलता है तो वो आधा कभी नहीं देता, या तो वो पूरा देता है या नहीं देता। किस बारे में बात हो रही है अभी? बात किस बारे में हो रही है? हम पेमेंट की बात कर रहे हैं। यही तो है, ये दोगला पर नहीं चलेगा। अभी इन्होंने बोला ना कि द वन, देखो टपरी की चाय भी डेट हो सकती है, हो सकती है, हाँ पक्का। अच्छा दिखने वाला स्मार्ट वार्ड पर... कोई अच्छा मिल जाए तो सब चाहिए आपको, लुक्स भी चाहिए, सब चाहिए, और ठीक तो दिखी जाए, अल्लाह वही पूछे भी वही। हाँ।
ये तो बहुत, आप तो सिंगल ही रहेंगे यार मुझे लग रहा है। तो कब से रह रहे हैं आप? कहाँ? डिल्यूजन में। बहुत वक्त हो गया है आपको। पर बढ़िया था यार, एंड्रू टेट के बारे में क्या विचार है आपके? एंड्रू टेट इनके बारे में क्या विचार है? ओ भाई 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 भाई, मतलब बंदा फर्स्ट एपिसोड से है, ठीक है, पैनलिस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसको पैनलिस्ट बनाओ, बनाओ इसको पैनलिस्ट, ये अपना निकालेगा भड़ास। मैं सिंगल रह लूंगी। मैं ना सुनता यार, बॉडीगार्ड। If you find someone who you really like, will you not go ask them out? बॉडीगार्ड को भी नहीं छोड़ा। जैसे ही सोचा कि मैं बता दूं, वो इंसान कमिटेड हो गया उसी पॉइंट पे। तो महीप जी को पूछा क्यों आपने? कोई अपनी एज का? अरे यार बकचोदी नहीं करो यार फालतू की। लिखो 98। ओ भाई महीप सर, महीप सर, नो नो शिवानी, आई रियली लाइक द थॉट्स के आपका इमेजिनरी बॉयफ्रेंड है। आप किसी को मिसोजिनिस्ट कहना चाहती थी, पर यहाँ पे किसी को मिसोजिनिस्ट के स्पेलिंग नहीं आते। तो आपका क्या है गोल लाइफ? मैंने लिखा है ना कि डिल्यूजन को हकीकत में बदल देना। ओह, तो आपका क्या है, व्हाट्स योर बिगेस्ट डिल्यूजन? आई फील कि जैसे कि मैंने पोएट्री सुनाई तो वो पोएट्री काफी मीनिंगफुल है, तो मुझे लगता है वैसे नहीं चलती। यही मैं रील्स पे जाके बोल दूं कि अक्कर बक्कर बम्बे वो अपनी इज्जत मुझको दो, तो ये वायरल चला जाएगा। मतलब जो चीजें सही है वो नहीं चलती, तो इसके बाद भी एक बार पूछा मम्मी कैसी है, बस। शिवानी राय जी, तो यू थिंक देयर इज लाइक अ स्कोप इन पोएट्री? आप अगर क्वालिटी कंटेंट छोड़ दो, बकवास करने लोगे, तो हाँ है, और वो मुझसे हो नहीं पा रहा, बट आई विल ट्राई। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, आपके ऊपर फिट। अरे सीरियस है ये? अच्छा इरशाद सीरियस। हकीकत नहीं हो, हकीकत नहीं हो तुम मेरा भरम हो, हकीकत नहीं हो तुम मेरा भरम हो, आने वाला है। झूठे तो सब हैं, तुम थोड़ी कम हो। ओके, कुछ नहीं था, शेर अच्छा था, बहुत प्यारा था। लिखो 9A। शिवानी राय ब्रो, अमेजिंग यार शिवानी राय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग यार, योर पोएट्री वाज अमेजिंग। एंड यू नो एट एट आपको 9 मैं आपने साथ साथ तो आई विल टेल यू व्हाई नहीं करना। कंटेंट अच्छा था बट डिलीवरी आई थिंक यू नो इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू वर्क ऑन। वो कन्विक्शन नहीं थी, वो कोशिश ये थी कि हाँ थोड़ा मैं शॉक कर दूं, बट द कुछ कुछ बोलेगा आप, कुछ बोले गुलजार साहब बैठे हैं हमारे साथ। नीति जी देखो, इंडिया में सब औरतों से डिलीवरी मांगते रहते हैं। औरतों से ही मांग सकते हैं यार आजकल तो भैया। आजकल आधा तुम आधा मैं। 9 फ्रॉम नीति जी आल्सो। दो चीजें काट के 9 दिया इन्होंने, पहले 9 था फिर 8 था फिर 9। अच्छा आपने भी 9 दिया है, आप नंबर तो लिख रहे हैं अपना। तो आपका एवरेज होता है 8.5। ओके, वेरी क्लोज। शिवानी जी यार,
थोड़ा सा रह गया यार, काश आधा मैं और देता। Make some noise for Shivani Rai, everyone. All right. Up next we have Bharat ka Oscar. Wow. Round of applause for Bharat ka Oscar, everyone. Hi, hi. कैसे हो सब? थैंक्स फॉर कमिंग गाइस, एक बार आप खुद के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस या या हाय गाइस, मेरा नाम ही ऑस्कर है। हमारे घर पे कुत्ता है, उसका नाम भास्कर है। एडिया का मतलब होता है कि नहीं? नाम का मतलब होता है। जैसे भाई आपका नाम क्या? इजरान। इजरान नाम का भी कुछ मतलब है कि नहीं? मैंने एक दिन घर पे घर वाले को पूछा कि आप लोगों ने मेरा नाम ऑस्कर क्यों रखा। वो नहीं हॉलीवुड का अवार्ड देखा रहेगा ना आप लोग ने, तो घर वाले बोलते कि ऑस्कर जब भी तो पैदा हुआ था ना, जब भी तो पैदा हुआ था तभी तो ऐसे बाहर आया था। मैं बोला अच्छा हूँ ऐसा बाहर नहीं आया। कितने लोग ट्रेन से ट्रैवल करते? गिव मी चेयर। सब लोग यार आप लोग ने देखा रहेगा, कुछ लोग नहीं आते वो ट्रेन में ताली बजा के पैसा मांगते। वो नहीं लोकल ट्रेन के एयर होस्टेस। वो आया मेरे पास ताली बजा पैसा मांगा, मैंने उसको दिया। तो मेरे लिए ऐसा कुछ तो मंत्र पढ़ रहा था, कुछ तो ऐसा आशीर्वाद दे रहा था और गया। मैं बोला रुक इतना करके, मैंने उसको पूछा तेरा इस मंत्र का रिजल्ट नहीं है तो रिफंड मिलेगा क्या? तो मेरे को बोलता अरे भाई ये मेरा कार्ड रखना, इस पर मेल आई डी है, अगर रिजल्ट नहीं है तो मुझे मेल कर देना। मैंने बोला अभी तू पढ़ा लिखा जॉब भी कर ये सब क्यों कर रहा है? बोलता ब्रो मैं पहले जॉब ही कर रहा था, मुझे बॉस के लिए ताली बजाना पड़ रहा था। अब मैं खुद के लिए बजा रहा हूँ। ये है मेरा स्टार्टअप, दिखाओ क्या पीपीटी मिला है, चल भाग ऐसे। मुझे नहीं बनना तेरा को फाउंडर। थैंक यू, दैट्स माय टाइम, यू हैव बीन लवली। लेट्स गो। गुड डिलीवरी। कब से कर रहे हो आप कॉमेडी? 2021। ठीक ठाक था। चार साल तो बहुत होता है भाई, तब तक तो मास्टरी हो जाना चाहिए कॉमेडी में। आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो, भारत का ऑस्कर नाम है उसका, यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो व्हाई इंडियाज़ गॉट लेटेंट भाई? बस फन करना था, एंजॉयमेंट। बड़े सीरियस हो यार आप एकदम, फॉर अ पर्सन हु लाइक्स टू डू फन। इतना सीरियस क्यों है भाई? लाइक यू नो योर गान पढ़ रहे हो, कसाई लग रहे हो भाई आप। लग रहे हैं फुल। कितना अच्छा लगता है स्माइल करते हुए भाई, स्माइल किया करो भाई। क्या एज है यार आपकी? मैं 27। 27 इस उम्र में तो शादी हुई है आपकी अभी तक? नहीं, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। गर्लफ्रेंड है आप? वाह, जितना किलसा हुआ लग रहा है सुनीता ही ऐसी गर्लफ्रेंड। कौन सुनीता? बैंड शो मेरे बंदे गाने बन रहे हैं। ओके कॉमिकस्तान में अप्लाई किया था आपने? भाई उन्होंने 2021 में तो उन्होंने काम चालू किया भाई, तो आया था ना सीजन 2, तभी आया था सीजन 2। हां सीजन 3 3 आया था। आप कौन से सीजन में जीते हो भाई? मैं सेकंड सीजन में हारा था। जीरो में आकाश गुप्ता विनर था, सच बताऊं तो को विनर। वो भी हमें जज है फ्रॉम कॉमिकस्तान गाइस। हाँ, लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन, मेरा अच्छा चल रहा है कि आपका खराब चल रहा है? यार ये कश्मीर में इनको वाईफाई काटनी नहीं चाहिए, ये हो जाते हैं। शी वॉज जज इन कॉमिकस्तान जहां समय जीता था, एंड नाउ Wow, and now she's invited in Samay's own show. Wow, bhai, as judge. Oh, bhai. Comicstan 3 mein apply nahi kiya aapne? Kyun? Kya fayda? Bhai, ban jata hai, bhai. Dekh, Solanki dekh, kitna famous ho gaya. Phir bhi roz banana pada na. किलसा हुआ है भाई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? है तेरा ट्रॉमा क्या है बता दे यार, क्या मामा ने छुआ है बचपन में? कुछ है ट्रॉमा भाई, क्या ट्रॉमा है? मेरे को पत्थर नहीं पड़े। पत्थर नहीं पड़े? व्हाट कुछ है ट्रॉमा भाई,
डिप्लोमा है? मेरे को पत्थर नहीं पड़े, पत्थर नहीं पड़े। ओ पत्थर नहीं पड़े, अच्छा पत्थर नहीं पड़े भाई, मेरे को सुनाई नहीं दिया। ओके ओके तेरी दाढ़ी थी ना इसलिए। दाढ़ी थी इसीलिए। ओके 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 आई गॉट इट, आई गॉट इट अ बिट लेट बट समझ आ गया। सीजन टू विनर भाई। विनर से नो पंगा, इसलिए आप आजकल निकाल के घूम रहे हो। या ये वाला दे, ये वाला काट देंगे, ये वाला काट देंगे। ऑलराइट भाई, भारत का ऑस्कर जी, thank you so much for coming today yaar, and keep smiling, and I have time to score him yaar. Maine aapko diye 8, bahut acha laga mere ko aapka. Good good. Amit sir ne diye 7.5, Mahip ji with a 6, 8, Balraj with an 8, that makes your average of 7. Nice nice. सब क्लोज है भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मेरे भाई। इट वाज वेरी क्लोज टू बीइंग सेल्फ अवेयर। आर वी रेडी फॉर अ रैपर गाइस, कम ऑन। मेक सम नॉइज़ फॉर पुनीत मल्होत्रा। भाई जोरदार तालियां पुनीत मल्होत्रा के लिए। यासीन। रैपर है क्या? अबे फिर से रैपर। कुछ न्यू टैलेंट आने रहा क्या? मैं तो गुंडा ही लग रहा है भाई। फूकते हो क्या? आई जस्ट वांट टू स्टार्ट। भाई ये जो स्माइल तो दे रहा है ना, ये फालतू जोक पे, क्या तो सीरियसली दे सकता था सोबर होके? जरा सोच, ये ट्रिप तुझे कहाँ ले आई है? हाँ, एक अलग डिमेंशन, एक अलग वर्ल्ड में। तो तू सोच ले, क्या ये आँख हिलाल है या तू बेहाल है? पर जो फीलिंग है ना बंटी, एक नंबर जमाल है। जमाल का मतलब सोच रहे हो, कमाल हो बंटी तुम। जेब में कुछ नहीं बस माल है, ओ ये माला माल हो तुम। ढाल लो तुम अपने परिवार की, सिर्फ एक सवाल हो तुम। और अगर ये सवाल भी तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है तो भाई बवाल हो तुम। कुछ सच्चाई व्यक्त करना चाहूँगा मैं आपकी इजाज़त से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट। शायद सबने की एक्सपीरियंस इन फैक्ट कि दुनिया में हर चीज़ एक नशा है, और नशा एक एहसास। तो तेरे मेमोरी में फर्क क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों लाना चाहते हो खुद? क्या बढ़िया भाई, क्लास लाना भी एक नशा है, नशे में रहना भी एक क्लास। तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा दुनिया को बता कि तुम्हारे ये हालात? सोभंड रहे बिंदास, और रहे इसे अकेला हो के भी सबके साथ है तू, क्योंकि स्टोरी तेरी ट्रेजेडिक है। कौन ताली मार रहा है भाई? जब तक तेरे शूज में नहीं आया था, सिवन वन से इज अंडरस्टैंड भाई, तेरे बॉल पे उसके शॉट फ्लिक है। और दुनिया का क्या पता है क्या? दुनिया साली मादर चोद है, दुनिया साली पीछे से वार करती है, क्योंकि खड़ा उनका टिक है। इसलिए परवाह मत कर और बोल बिंदास। भंडी हुआ हूँ मैं भंडी, भंडी सच बता रहा हूँ मैं भंडी। ऐसे एक जगह पे देख रहा है जैसे मैरिज डॉक्टर स्ट्रेंज है, और अभी हाथ घुमाऊंगा ले जाऊंगा तुझे कल इस फ्रेम में। ऐसा होएगा बेडू व्हेन आई पास दिस टू यू जगह। ऑलराइट, तो पुनीत जी क्या था ये? ड्रग्स करते हैं? नहीं ये सवाल नहीं है, स्टेटमेंट है। आप ड्रग्स करते हैं? ब्रो कैसे रख सकते हो तुम ये वाला पार्ट भाई? क्यों रखा है ये वाला पार्ट? आई डोंट अंडरस्टैंड, इट वाज शिट। तो कितने टाइम से हैं आप इस जोन में? माइक 5-6 साल। 5-6 साल से इस जोन में? हाउ ओल्ड आर यू मेरे भाई? 27। अच्छा, तो घर का क्या क्या सामान बेचा इसके लिए? कुछ नहीं बेचा। तो आपको कभी डर नहीं लगता? किस चीज का? भाई ये लीगल नहीं है इंडिया में जो आप कर रहे हैं। तो खुलेआम थोड़ी करता हूँ। 8 कैमरे लगे हैं इधर भाई। फूक तो नहीं? आपको तो 16 दिख रहे होंगे। आपके घर में और भी कोई है? हाँ है ना। Bro, is he literally into drugs? What?
रियल में ये अगर राम में चल दिया अगर मैं भंडी तो गान बढ़ जाएगी घर वालों की भाई इसकी वजह से गांजे और 20 साल बाद लीगल होगा इंडिया में भंडी ब्रो डोंट लाफ ऑन अ एडिक्ट भाई ये तो ज्यादा हो गया भाई सपने आते हैं हाँ नहीं 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 जागते हुए नहीं आपने जो ये परफॉर्म किया ये आपका रैप था ब्रेकडाउन था क्या था ये क्योंकि कुछ क्रेजी किया भाई आपने मुझे क्या जॉनरा था ये कोई आइडिया ही नहीं आप शुरू आए बातें की आपने पहले मेरे को कुछ बोला फिर कुछ बोला फिर सडनली आप गाना चले गए क्या था ये रैप ही था रैप था ये अच्छा बीट आपके दिमाग में बज रही होगी तो पुनीत जी यार तो आपको लगता नहीं कि नशे करना गलत बात है लगता तो है पर मजा आता है व्हाट तो कभी आपने क्विट भाई क्या हो रहा है भाई गर्दन दुख रहा है गर्दन मुझे लगा था आपने क्विट करने का कोशिश किया हाँ हाँ मैं अभी नहीं फूंक रहा हूँ नहीं नहीं रैपिंग फूंक तो रहा है भाई तू अभी शायद वही करना पड़ेगा नहीं नहीं भाई बट नेसी भाई के बारे में क्या लगता है व्हाट ये तो वाइल्ड कार्ड हो गया भाई नेसी फ्रेंड है एक ही कम्युनिटी से आते हैं एक ही टाइप के लोग हैं मतलब यू फॉलो हिम नहीं तो भूल जाते हैं छोड़ना अल्कोहल तो आप ये हैकिंग कब करते हैं फिर ये जॉब है ना 9 घंटे का जॉब है ना उसमें आप सेट रहते हैं या भाई जॉब में टाइम काम करता हूं भाई बट लाइक आपको ऐसा लगता कि नशे नहीं करने चाहिए हां मतलब नहीं करना चाहिए नशे नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए हां बिल्कुल अभी छोड़ के जाओ यहां पे छोड़ के जाओ जितना भी इधर दे के जाना ठीक है भाई मुझे डर है कि ये जीत गया ना वैन जो नशे ही खरीद लेगा सारे कुछ भी करके जीतना नहीं चाहिए भाई अच्छा ऐसा हो सकता है इसने ये वाला पार्ट रखा है बिकॉज़ ये जीत चुका है हु नोज समय कुछ भी हो सकता है ठीक है मेरे को नहीं लगता दिखाना चाहिए इसको बट हाँ दिखा रहा है बिकॉज दिस इज समय भाई अगर भगवान है तो ये नहीं जीतेगा भाई कैन डांस ओनली व्हेन ड्रंक तो अभी तो नहीं नाच पाओगे तो कुछ मंगाएं क्या बट यार आई एम वेरी वरीड अबाउट योर हेल्थ भाई थोड़ा ध्यान रखो हेल्थ का यार आप थोड़ा ना कमजोर लग रहे हो शेव वेव करो सुंदर लगो शेव करके सुंदर लगते हैं लोग नीति जी को देखो चलो भाई मार्क्स करें मार्क्स देते हैं इनको भाई भाई मैंने दिया है 420 बलराज भाई ने दिए 4 मैंने दिए हैं 2 मैं नहीं चाहता ये जीते भाई फॉर योर ओन हेल्थ मैं दे रहा हूं आपको 3 ओके 1.5 1 फ्रॉम नीति जी 1 महेप सर 1 मैंने दिया स्कोर कितना लेकिन
जितना मिल जाए तो यार दिए दो, तो that makes your average of 2.9.5 पांचों का मिला के पहुंच रहा था 9.5 क्या एक बार जोर ताले पुनीत मल्होत्रा के लिए 9.5 Thank you so much for joining, yaar. Okay. Can I get some claps? Nice. Never rub it off, give it on further, let them read it. Oh-ho. What you want, good, those ears, you just need to save it. It just know, white on black, color combination. Solution knowledge filled with experience and some education. We will need a brighter future and a present. We will need your help. Yeah, we just need you, Ed. Slits, give it on to me. Slits, that it's all we need. Slits, slits, slits. Yeah, pass on your tactics. Pass on your feedback. Pass on your funda. Pass on, pass on, pass on. Make some puzzles hard to solve it easy to realize. And cray with it just know white and black color combination solution knowledge filled with experience and education. We will need a bright and a future and a present. We will need your help. Yeah, we just need you, hey. Slates, give it on to me. Slates, that it's all we need. Slate, 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 pass on. Thank you. ये कौन से शो पे आ गया मैं भाई किरण होलकर जी होलकर या होल तो कर दिया आपने हमारे हाँ कान में इधर से उधर पर कहाँ रह गए क्या रह गए सुर हाँ ना सुर माइक टेस्ट नहीं मिला ना पहले अच्छा माइक तो टेस्ट कर लिया आपने पूरा हाँ पूरा टेस्ट कर अगर लिया आगे वाले परफॉर्मेंस अच्छे होंगे शायद भाई आप बहुत ही इंटिमिडेटिंग लग रहे हो मेरे को यार ओह रियली Yeah, really. Fake accent. Thank you anyway. तो ये आपने कहाँ सीखा? खुद सीखा आपने? हाँ, थोड़ी training भी ली. अच्छा? हाँ जी. You took like professional training? Yeah. From a mosquito? Yeah. Singing in my ears. Yeah. मेरे को accent बड़ा अच्छा लगा. Thank you. मुझे भी. मेरे को बोलो वो मेरे को चाहे दो ही words समझ जाए sleep. हम दोनों को सेट लगा देखो क्या है कि आपका स्टेज प्रेजेंट 10/10 फ्रॉम मी योर स्टाइल 10/10 द वे यू आर कमांडिंग द ऑडियंस 10/10 सुर जीरो कदाई अगर माइक टेस्ट मिल जाता तो थोड़ा कुछ और हो जाता तो अब आपने माइक टेस्ट कर लिया आराम से हां यू वांट टू ट्राई अगेन ओके इफ यू वांट नो कर रही जनता आप सिर्फ इंग्लिश में ही गाती हैं हां जी और कोई भाषा में नहीं गाती नहीं तो आपको मतलब ये अंग्रेजी में गाने का कहाँ से इंस्पिरेशन मिला है पहले से अंग्रेजी गाने सुनती थी बहुत पहले से मतलब क्या पहले से इन पैदा होने के पहले चाइल्डहुड या फ्रॉम योर चाइल्डहुड मेरे पापा भी सुनते हैं इंग्लिश गाने सो इट जस्ट केम पापा आए नहीं डोंट वरी इट्स नॉट हियर किरण जी ये गाना आपने खुद लिखा है हां जी खुद गाया क्यों लेकिन इस गाने का ये मतलब है कि हम पेरेंट्स लोग जो लाइक पेरेंट्स जो होते हैं वो आगे देते नहीं बहुत सारी चीजें लाइक ये मेरे साथ हुआ है तो ये मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए सो ये थॉट है तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं
One, my dad is in entertainment business. Is he a singer? Yes, he is. Oh, तो उनमें जो सुर सीखे वो आपको उन्होंने नहीं पास ऑन किए बेसिकली. Kind of, you can say. अब मैं समझ गया. That's why I wrote the song, you can say, yes. Who are your favorite singers? Michael Jackson, yeah. Shakira. And I like Yanni's voice, so yeah. His music is good, but Yanni. I like his voice, yeah. And amongst Indian artists, like upcoming new Indian artists? New? Hanuman Kind. Reaction डाला है मैंने जाके देखो. Not much, but Nazia Hassan, yeah. She's Pakistani. Yeah, but I like her voice. Pakistan was a part of India, so. No, but she started singing after the partition. Sorry? What do you want me to take? Sorry, what did you say? She started singing after the partition. Okay, I was there. I understand. I was not there, obviously. So, how do you make money right now? No income right now. Oh. But trying my level best to. As you said, no, singing is not that good. I'm trying to make career in singing. So, hey, I never said it was not that good. I said it was bad. It was bad. That's what I'm that's saying. Good, good. Yeah. This is my job. Yeah. I missed the words. Yeah. She can be a lyricist or something. Lyricist is a good job. Underpaid, but good job. Holkar ji, you are very such a good sport. Kiran ji, thank you. Thank you. तो किरण जी आपको स्कोर देने का टाइम आ गया। I think 5. तो मैंने आपके So you are evaluating on everything. Okay. Yeah, तो मैंने इसलिए आपके 5 नंबर बढ़ा दिए। Oh. Thank you. मैंने दिए 5. Thank you. 7 from Amit sir. 7 from Nidhi ji. समझ कुछ नहीं आया बट नंबर दूंगा। 3. तीन ही शब्द समझ आए ना उनको इसीलिए 2. Your average is 5. Okay. So what? आपको दिखाना है? Oh, I don't have that. I left it somewhere, I guess. तो क्या दिए थे आपने उनको? 10. Oh. I like the honesty, but I also like the delusion. Thank you so much for joining, Kiran ji. Thank you. Up next, we are down to the last two acts. We have Shahid Khan. समय कैसा देख रहा है भाई शाहिद खान ओह एक बात बताओ अभी 2 कंटेस्टेंट बचे अभी तक विनर नहीं मिला एक भी ना शायरी सुनाएगा ये भी शाहिद खान लगा दिया भाई एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज़ शाहिद खान एवरीवन कम ऑन कैसे हो सारे बढ़िया और महीप सर कैसे हो बढ़िया महीप सर मम्मी ठीक है मेरी पर महीप सर ना हर किसी से पूछते रहते हैं मम्मी कैसी है यू नो इट इज़ द साइन ऑफ महीप सर हैविंग मॉमी इश्यूज पता दादा अरे महीप सर दादा बनने की उम्र में डैडी बनने की सोच रहे हैं यू नो महीप सर कितने ओल्ड है आप देख सकते हो महीप सर जब सेक्स करते हैं ना तो इनकी वाइफ की मौन से ज़्यादा इनकी हड्डियों की आवाज़ आती है भाई महीप सर देने वाले हैं बहुत गंदा देंगे इसको उनसे पंगा नहीं आपको पता अपने समय भाई समय ब्रो डिड नॉट इवन हेसिटेट यू नो इंडिया इज नॉट रेडी फॉर सामे राणा ह्यूमर सही कहते हैं पता सामे भाई कॉलेज फेस्ट में जाके बोलते हैं माँ चुदाने गई प्लेसमेंट अच्छा है महीप सर ने समय भाई से नहीं पूछा और मम्मी कैसी है वरना समय भाई बोलते माँ चुदी बढ़िया भाई और टाइम है ठीक है तो ना मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ना यार मैं ऐसे महीप सर पे इन सब पे जोक करूँगा तो उन्होंने बोला कि जब वो तेरी लेंगे ना तो सह नहीं पाएगा मैंने कहा बात तो ठीक है मैं मरवराना जाऊँ तो मैंने ना सुसाइड हेल्पलाइन पर जाके मैंने वेबसाइट पर ना स्क्रोल किया तो मुझे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि जब आप इंडिया की सुसाइड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हो तो आपको हेल्प ऑफर करते हैं बट जब आप अफगानिस्तान की हेल्पलाइन सुसाइड हेल्पलाइन पे ऑलराइट शाहिद खान दैट वाज रियली गुड जोक ऑन महीप जी यार हड्डियों वाला
Are you like a comedian or is your first time doing comedy? No, I'm doing stand-up comedy for 2 years. 2 years? तब ये हाल 12th में अभी तूने टॉकिंग पॉइंट्स में ऐसी ऐसी चीजें लिखी है बिना हिलाए नींद नहीं आती मेरे को रिश्तेदारी निभाना नहीं पसंद पर फिर भी मैं रिश्तेदारों के घर जाता हूँ फेस्टिवल पर क्योंकि पैसे मिलते हैं एक एक करके आते हैं भाई मुझे नहीं पसंद मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा फनी वाला सेट लिखा हुआ है यहाँ पर ह्यूमर ह्यूमर की बात है भाई आपको बिना हिलाए नींद नहीं आती ऐसा स्ट्रेस रहता है माइंड में तो किसका हिलाते नहीं मतलब मैं इतना ओल्ड तो हुआ नहीं हूँ कि मेरा खड़ा ना होता अपने ही हिला लेता महिम जी Come back. मैं नहीं सकता बिल्कुल नहीं 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 मैं सह लेता हूँ नादान है अभी है ना ऐसे नहीं बोलते बेटे पापा को ऐसे नहीं बोलते ठीक है मैं मुसलमान हूँ है तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के चोता हूँ सरकार किसी की नहीं हो देश में मैं भी पंजाब से हूँ मैं धर्म के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता ठीक है ना ओह मैन ब्रूटल शाहिद खान कुक्ड भाई कुक्ड ये शाहिद खान से शहीद खान आज बिना हिलाए नींद आएगी तुझे नहीं मैं हिला के आया अभी हिला के आया हो इसका माइक इसका माइक बंद कर रखा है ना माइक बंद कहाँ मैंने वो नीचे वाले की बात कर रहा था नीति समय ने बहुत रिलेट किया मेरे को जेनुअली माइक को हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा आपने लिखा है कि आपको नहीं पसंद कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई मेल फ्रेंड हो इनसिक्योरिटी मैं खुद 5-6 लड़कियों का मेल फ्रेंड हूँ आपकी गर्लफ्रेंड आपकी भी गर्लफ्रेंड है हाँ फिर भी लाके सोता है मतलब अब आपकी छोड़ गई तो फिर मैं मेरी तो है अच्छा आपके मेल फ्रेंड भी है I am secure like that. Big dick energy. तो आप क्या girlfriend को बाहर नहीं जाने देते हो क्या आप तो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. जाने देते हो? अब है ही नहीं ना girlfriend अब नहीं है. अब नहीं है. इसीलिए इसीलिए. नहीं माँ चुदाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा. एक्चुअली इनकी एज है ना बहुत ज्यादा इसीलिए कुछ भी मतलब बहुत कम बात करते हैं जब भी बोलते हैं लगता है कुछ मीनिंगफुल बोला इसलिए ज्यादा हंसी आती है तो आपको कैसी लड़की चाहिए फिर फाइनली मेरे को कैसी लड़की चाहिए मतलब अच्छी हो जो हिला के दे अच्छी हो अंडरस्टैंडिंग हो हाँ बस भाई अगर घर वालों का ख्याल रखें नाक में सेप्टम वाली चलेगी आपको हाँ नाक में जो वो होल होता है जो हाँ फिर क्या दिक्कत है वो तो औरत गहने पहनती है तो चलेगी चलेगी उसमें आप रस्सी डाल के बांध भी सकते हो नहीं 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 आपको अंडरस्टैंडिंग लड़की चाहिए ना
हाँ, अगर उसको भी अंडरस्टैंडिंग लड़का चाहिए हो तो आपको रिश्तेदारी निभाना नहीं पसंद? नहीं, रिश्तेदारी नहीं पसंद तो शादी किससे करोगे फिर? आज के विनर तो यही है, ही इज द विनर। मतलब रिश्तेदारी में कोई लड़की नहीं है ना, इसलिए रिश्तेदारी नहीं पसंद। तो लड़कियां पैदा क्यों नहीं होने देते तुम? भाई क्योंकि इनके सामने नहीं। नहीं नहीं, बुरा नहीं। पक्का ना भाई? पक्का पक्का। तीन बार बोलो। आपने बहुत कुछ देख लिया इतनी छोटी उम्र में, आपकी गर्लफ्रेंड ने चीट कर लिया आप पे, ये सब हो गया, तो आप ना थोड़ा पत्थर दिल हो गए अब। हाँ कह सकते हैं सर। थोड़ा पिघलो यार, बड़े क्यूट हो, इतनी अच्छी स्माइल है आपकी, सोच क्यों इतने गंदे हैं? वो जोक्स लिखने के लिए सोच गंदी है। तो असली में नहीं हो ऐसे? असली में नहीं हो ऐसा। असली में कैसे हो आप? असली में अच्छा, मुठल, डीसेंट। डीसेंट। तो ये सब झूठ है क्या? नहीं मतलब ये सब झूठ नहीं है, ये सब मेरा पास्ट है। नाउ अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, सारी ऐसी नहीं होती। पिछले 5 मिनट में हो रहा ना रियलाइज? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। शाहिद भाई, हु इंस्पायर्ड यू टू डू स्टैंड अप कॉमेडी? ऐसा मतलब कोई नहीं, कोई भी नहीं। मतलब ऐसे हार्ट ब्रेक हुआ तो सोचा क्या बनूं, तो शायर तो मैं बन नहीं पाया क्योंकि वो शायरी वायरी नहीं। मतलब आपने स्टैंड अप ऑनलाइन देखा है? नहीं देखा। हां ऑनलाइन स्टैंड अप देखा। लाइक किसका सबसे फेवरेट स्टैंड है? मैं गौरव गुप्ता। ओह फिर उसके बाद? उसके बाद जाकिर खान, फिर मुनव्वर, फिर सामे भाई। वाह यार, पांचवें नंबर पे हो तुम। हां नहीं मतलब सामे भाई को मैंने ऐसा लेट डिस्कवर किया ना इसलिए। अरे थैंक यू भाई, मेरे को डिस्कवर तो किया उसने। और भी 3 स्टैंड अप कॉमेडियन है आया हूं ना। इनको भी बहुत पहले डिस्कवर किया था किसी ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था इनको। चलो टाइम टू स्कोर शाहिद खान मेरे भाई, कम ऑन मेक सम नॉइस फॉर शाहिद। यार नीति कुछ तो बोल दो, ये उर्फी का जैसा सीन हो गया है, शी इज शॉक्ड कि क्या कहां फंस गई मैं मुठ्ठरों के बीच में, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही, जस्ट लाइक उर्फी। मैंने आपको दिए हैं 7, 4 फ्रॉम अमित जी। 7 ठीक है क्योंकि अमित जी की बेटी भी है। 5.5 फ्रॉम नीति जी। मैंने दिए 3, 3, 3। 3 फ्रॉम महेश सिंह। 6 फ्रॉम बलराज। दैट मेक्स योर एवरेज ऑफ 5। आज विनर नहीं मिलेगा। Happy you didn't win, man. Make some noise for Shahid Khan, everybody. Come on, make some noise, man. जाओ, जाओ, जाओ भाई. Down to the last act of the night. Are you ready? Make some noise for Hard Shivam. So, I'm a stand-up beatboxer. अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि stand-up beatboxer क्या होता है? Well, beatboxing तो लेट के बैठ के भी की जा सकती है. Well, same सवाल मेरा stand-up comedian से भी है. Anyways, beatboxing करने के कई फायदे हैं. Like, आप किसी को भी मुंह पे गाली बक सकते हो. And at the end, वो आपके साथ वाई भी करेगा. कैसे? मैं बताता हूँ. Okay, this is unique. भाई ये कुछ यूनिक था। बीटबॉक्सर्स को ना हर जगह बीटबॉक्सिंग करने की आदत लग जाती है। लाइक आप खा रहे हो तो बीटबॉक्सिंग कर रहे हो, हग रहे हो तो बीटबॉक्सिंग कर रहे हो। ऐसे एक दिन मैं उसके साथ बेड पे था एंड शी स्टार्टेड मॉर्निंग लाइक आ
Best. Bro, मजा आ गया भाई, क्या टैलेंट है भाई, ये है टैलेंटेड बंदा, ये था कुछ यूनिक, देख के मजा आ गया भाई, बहुत यूनिक था. ये मॉर्निंग वाला कहीं सुना वाले ओह मैन हार्श यू आर रियली लिव्ड अप टू योर नेम ब्रो थैंक्स सो मच दैट वाज रियली रियली वाइल्ड राइट मींस अ लॉट सर मींस अ लॉट बेचारे क्लीन कॉमेडियन अमित टंडन आज रिदम में गालियां सुनिए तो ये आइडिया कहां से आया था आपको बेड पे बेड से आइडिया आया था यस सर खाते हैं तो बीट बॉक्सिंग करते हैं बेड पे कहां पे बीट बॉक्सिंग करते हो जहां मन करता है लाइक यहां पे भी मन किया तो कर नहीं नहीं बेड में भी करते हो आप हां सोते हुए हकते लाइक एवरी टाइम इट्स लाइक माय स्ट्रेस बस्टर हकते हुए मुंह से करते हो आप हां घर वालों को लगता है दस्त लगा है या हर जगह से कर लेते हो आप बीट बॉक्सिंग उससे भी मैं मैच कर लेता हूं लाइक ओह शिट भाई यस शिट भाई के पास टाइमिंग तो है भाई ये तो एक बात बता तू मेरे टट्टे छू के क्यों गया हाइट वहीं तक पहुंची ना मेरी मीट बॉक्सिंग हाँ वो मम्मी भी यही कहती थी यार आपके घर वालों ने सुना है नहीं नहीं अभी तक तो नहीं और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि ना ही सुने तो बढ़िया है वरना मेरे को घर में घुसने नहीं देंगे आप उनको क्या बोल के यहाँ आए खत्म है भाई हसल का ऑडिशन देने आया मेरे ये हसल में तेरी फसल कटेगी अच्छी तरह तू जा एक बार अरे यार मैं सच में बहुत इम्प्रेस हूँ इतनी छोटी उम्र में इतनी गालियाँ सीख ली आगे जाके तो क्या क्या करेगा ये माँ ही चोट देगा भाई हार्ड शिवम यू आर ऑल्सो वीडियोग्राफर वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनर व्हाई ब्रो यू हैव दिस टैलेंट पैसे नहीं मिलते ना इसके इतनी इज्जत बीटबॉक्सर को कोई नहीं देता जितनी आप दे रहे हो अरे ब्रो यार ऐसा नहीं यार I want this guy to win I want him to win I want him to win I want him to win इसको बार देखना है इसको तू पहले इससे पूछ ले कितने नंबर दिए नहीं नहीं भाई नहीं वो अनफेयर हां नहीं पर यार रियली हम लोग भी तुक्का लगाते हैं ना भाई Man, harsh, you are really from bottom of my heart. He should win, bhai. Sir, aapne keh diya na, to main jeet gaya. Ye to senti kar raha hai bhai abhi yaar. Wah wah. Maa behan ki gaaliyan dekh ke senti kar raha hai abhi. Tum confuse kar diya tumne mere ko bhai abhi. Aap sach mein Madhya Pradesh se aaye hain ye show karne? Haan ji, haan ji. Matlab aapko dekh ke ladkiyan chali gayi hain dekho. To shayad late ho raha hoga. Why are you going? Just wanna call my mother. Dekh lo, busy aa jayega ab 2 minute mein abhi. क्या ब्रांडिंग है ये मैं जी यार क्या देख लिया यार ये ये तो अच्छा ही देखा यार पहले वो जो देखा था वो प्रॉब्लम तू इकलौता टैलेंटेड आदमी आया पता है मैं रैप भी करता हूँ ऐसे रैप भी करता है हो जाए फिर तेरी मर्जी है भाई
इतनी है डेयरिंग जैसे महल है कश्मीर में, कांच का कुर्सी पे भी बैठू तो आल्टी पाल्टी मारता मेरे लेवल का नहीं, तुम मुझसे रखना फासला बेटा, हार के ना बैठू मैं भी, एक ही बाप का पाले स्नेक भी आस्तीनों में पर जहर नहीं बांटता, जब भी खाने को ना मिले तभी पहनी पास्ता पास मारू है भी, अभी हूँ बारहवीं पास मैं छोड़ूंगा नहीं मैं जब तक मेरा प्राण निकापता करूँ, घर तेरा बेड़ा पूरा नर्क में रहेगा, वर्चुअली स्वर्ग से कनेक्ट जैसे मेटा, हर शब्द जैसे मेहता, हर वर्ष मेरा महंगा जैसे हर्षद मेहता, पर ना फक्ड अप बेटा इनका छूट गया मूड जैसे ब्लैडर गया फूट, हुआ पाए इज्जत करी खिलाफ मिला ना प्रूफ, मेरी हवा में मत घूम पकड़ू जैसे मैं लूज, स्पिट फास्ट करूँ तू तेरी बिगाड़ू मैं तू, I'm waiting for the time, गाने फटे जैसे माइक, स्टे पूरा मेरा होगा कैश आउट करे जब क्लाइंट टेक सेक, थिंक ट्वाइस डबल आर ऑन माय राइट डॉलर साइड में, अगानी होगा पूरा वाइट मैं जादू टेल का शेर का बेटे शेर जा फैलता जैसे जहर सा टहलता जैसे राजा हूँ मेल का, I'm losing myself, साइज भी आता नहीं बेल्ट का, आधा साल निकल गया मैंने पढ़ा नहीं तो इसका ओ शिट, कैसे करूँ प्रोसेस या करूँ कोशिश, मे बी आई एम होपलेस, शुड आई ओपन माय बुक्स और क्लोज इट, Let me know that बंदे नकलची हो रहे लेकर टी चलेंगे तेज तो पड़ेंगे जल्दी बिना सबके लगे भी हल्दी मसल तो बहुत जल्दी मसल की हमें हमारा भले बजे बारह तू जल्दी से बारह में भी जल्दी आ रहा पर किधर जाना पता ना ठिकाना सिखाना मत रात के तीन के सुबह के बारह तक हटा दो वेरिएशन चाहिए ना नेविगेशन देना मत वैलिडेशन फक दैट वैलिडेशन मैट बिलो द एवरेज कछुए से लगा द ड्रैग रेस गुड टू के काफी है गुड डे एंड आई विल ट्रिप ऑन अ बैड इज भरूंगा बोरी में बोलूंगा सैक रेस मिली नहीं रहा मेरा बैगेज तेरी बंटी बैठी मेरे लैब में ठीक करा के दे आज क्रैक ओह शिट दैट वाज क्लासिक बेंड कर दिया हार्ड डिस्क तुझे दिखी नहीं रहा मेरा पेन फिजिकल हिला दिया संतुलन मान सीखूं मैं बहुत लिखूं मैं बहुत सीखूं मैं और ढीठूं मैं बहुत पता नहीं के करूं मैं क्या भाई भाई इतना ज्यादा बड़ा भाई आपको सच में हसल ही जाना चाहिए था हसल हसल भाई गलत शो पे आया हुआ भाई यही ऑफर हुआ आपको आपका गोल इन लाइफ है टू बी अ ग्रेट रैपर तो वो तो हो गया अब क्या गोल है अब जीतना ब्रो आई रियली विश यू विन मेरे भाई काश मैं भी नहीं होता भाई ठीक है तो भाई शुरू करते हैं वहां से एपिसोड 1 वाला सीन करो एपिसोड 1 में जो किया था स्क्रिप्टेड ब्रो आई रियली विश यू विंस मैन सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बलराज दिस टाइम ब्रदर इट्स अ फुल 10 ऑन 10 10 ऑन 10 10 फ्रॉम महीप सिंह 10 फ्रॉम नीति जी मैंने 10 को काट के 9 करा है बिकॉज़ आई वांट हिम टू विन कि 9.5 शायद इसने विश किया हो एक चीज देखी है जो भी आदमी असली में टैलेंटेड होता है ना वो कभी खुद को 10 नहीं देता पर वो बंडी जो आया था देखो वो 10 देता है वो द मोर यू लर्न द मोर यू नो दैट यू डोंट नो तो ये वैसा आदमी लग रहा है मेरे को तो अभी तक हिस्ट्री ऑफ लेट नाइट में जब भी कोई रियली टैलेंटेड आया है उसने खुद को 8.5 दिए भाई चैट चैट लेट्स गो चैट ठीक है लेट्स गो चैट मुझे तुम्हारी ओके 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 यू गाइस 10 10 आई नाउ आई नीड योर हेल्प ठीक है शुड आई गिव हिम हाउ मच शुड आई गिव हिम Okay, so
sorry, 5, so abhi 39 hua hai. I am giving you a 6. Brother's so giving you 6. Your average is 9. Dikhao, go on, go on. Isne 8.5 diya. Is pe jana hai kya? He is disappointed. Yes, sir. देखो मुझे लगता है यहाँ पे वही फर्स्ट एपिसोड वाला कांड हुआ है. तुम शो को अच्छा करने के लिए ये कर रहे हो तो इट्स क्वाइट गुड. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. बट मजा आया भाई, बहुत मजा आया बिकॉज ऑफ दिस. The time is up. Bro, are you straight? Fuck, man. भाई तूने महीम जी को खड़ा कर दिया भाई. ये कभी नहीं होता अनलेस मेरी मम्मी आ जाए. महीम जी भाई क्या आदमी भाई, क्या जीता भाई. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे भाई. एनीथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम मी आई कैन गिव यू मेरे भाई. कुछ भी जो बोले तू. अभी तक तो स्ट्रेट था. यार मजेदार, यार बहुत मजा आया. मैंने बोला था मैं एक्सपेक्टेशन बहुत रख रहा हूँ इससे, इस एपिसोड से पर्टिकुलरली. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो वीडियो को लाइक करना और हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना. ये हमारा मेन चैनल है, बट हाँ दूसरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करो. वहाँ पे हम अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्वालिटी वाले वीडियोज. सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.